गुड इवनिंग दोस्तों एंड डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ आनंद कोसकेसरी, आप सभी लोगों का जो है यूनिक कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं एक बार जो है सिंथेसिस का ही सिंपल सेंटेंस का ही कुछ पैटर्न लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने आपको पार्टिसिपल दिया था और पार्टिसिपल के बाद दूसरा जो नियम इसका है दोस्तों, जो रूल्स है वो यूज ऑफ पार्टिसिपल नहीं है, यूज ऑफ इंफिनिटिव है। उसके बाद तीसरा आपका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो दोस्तों मैं इसी दो नियम को आपके पास लेकर आया हूं और इसको बताने से पहले मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से और अपने प्यारे दोस्तों से यही काम कहूंगा कि आप जो है मेरे जो है वीडियो को अधिक से अधिक जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसका रिस्पॉन्स दीजिए मुझे, जिससे जो है मेरा हौसला अफजाई हो और मैं आपको और अधिक से अधिक जो है वीडियो देता जाऊँ। तो दोस्तों बातें खत्म करने से पहले हम जो है अपनी बातों को फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के बारे में बताते हैं। मैंने दोस्तों बताया था कि सिंथेसिस का मतलब होता है दो वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों का जो है कॉम्बिनेशन जोड़ना, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। उसमें कई रूल्स फॉलो होते हैं दोस्तों, जिसमें पार्टिसिपल का नियम मैंने बताया था। अब उस पार्टिसिपल के बाद हम लोग पढ़ते हैं इंफिनिटिव। तो दोस्तों इंफिनिटिव होता क्या है, कैसे इसको पकड़ करेंगे हम? बहुत आसान तरीका है। इन्फिनिटिव दोस्तों, इन्फिनिटिव का मतलब होता है उस वर्ब में, उस क्रिया में टू लगा देना, टी ओ टू लगा दीजिए, इन्फिनिटिव बन जाता है। कब लगाएंगे? जब दोस्तों किसी एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस के बारे में कहा जाए और वो केवल रिजल्ट या तो पर्पज बताए, रिजल्ट या पर्पज मान परिणाम या तो उद्देश्य। जब सेंटेंस में ऐसा आपको लग जाए कि नहीं वो सेंटेंस में परिणाम की बात कर रहा है, उद्देश्य की बात कर रहा है, सोचना ही नहीं है, बिल्कुल तुरंत टू लगा दीजिए, उस क्रिया में टू लगा दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। और जब भी आप टू लगाओगे तो आप देखोगे कि उस क्रिया में ना नहीं जरूर आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। तो दोस्तों सोचने की बात है, आगरा क्यों गया, क्या उद्देश्य है आगरा जाने का? तो आगरा जाने का उद्देश्य यही था दोस्तों, ताज को देखना। क्या देखने में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस ना आया टू लगा दीजिए, टू नहीं लगा तो लगा दीजिए। तो देखिए हरी वेंट टू आगरा, क्या देखने? टू सी द ताज। बाकी जो बीच का आपको बच रहा है वो छोड़ दीजिए। जहां से आपको जो है क्रिया मिल रही है इन्फिनिटिव की, बस वहीं से सेंटेंस आप जो है इसमें छोड़ दीजिए। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, ही हैज नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, और ही कैन नॉट बाय ए डिक्शनरी, वह जो है डिक्शनरी नहीं खरीद सकता। भाई डिक्शनरी क्यों नहीं खरीद सकता, क्या रीजन है? देखिए इसका परिणाम मिल रहा है, पैसा न होने का परिणाम यही है कि वो डिक्शनरी को नहीं खरीद पा रहा। पहले वाले में क्या था आपका? पहले वाले में उद्देश्य था, दूसरे वाले में क्या है? परिणाम है। तो दोस्तों बस वही किया हमने, ही है नो मनी लगा दिया, फिर जहां से क्रिया स्टार्ट है बस उसी में टू जोड़ दिया, टू बाय ए डिक्शनरी हो गया। और डिक्शनरी खरीदना ना आ रहा था, इसमें क्या लगा दिया दोस्तों? टू लगा दिया। अब तीसरा एग्जांपल दोस्तों, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, वह बहुत कमजोर है, वह नहीं चल सकता। दोस्तों थोड़ा सा चेंज इसमें है, इसमें यह चेंज है, आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन के नियम में कि जब भी यहां पर प्रेजेंट टेंस होता है तो यहां कैन नॉट लगता है, और यहां पर पास्ट टेंस लगता है तो यहां पे कुड नॉट लगता है, और यहां पे वेरी का प्रयोग है। तो कुछ नहीं करना है, जब भी कभी कैन नॉट या कुड नॉट लगे तो यहां से इसको पूरा हटा दीजिए, इसको हटा करके यहां टू लगा दीजिए, क्रिया लगा दीजिए, बस आपका सेंटेंस बन जाएगा। जब भी कैन नॉट या कुड नॉट दिखाई दे दोस्तों, इसको पूरा हटा दीजिए सिंपल में, और टू के साथ जो क्रिया होती है उसको केवल जोड़ दीजिए और आपका बन जाएगा। ये दोस्तों इन्फिनिटिव है। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरफ। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है दोस्तों? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में बिल्कुल फ्री होता है, स्वतंत्र स्वतंत्र होता है, उस पर क्रिया बने उस पर क्रिया का कर्ता का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। जैसे द सन से द स्टार्स केम अप इन द स्काई, दोस्तों जो ये सन है जो स्टार्स है, ये दोनों में से किसी भी एक कर्ता को हम हटा नहीं सकते,
क्योंकि दोनों अलग अलग करता है, और दोनों अगर जो किसी एक को भी हटा देंगे तो पता नहीं चलेगा, या कि हमने क्या अस्त हुआ क्या आए पता नहीं चलेगा, और दोनों ही स्वतंत्र है वाक में। और इसमें दोस्तों पार्टिसिपल के नियमों के अंतर बनता है, क्योंकि देखिए सूर्यास्त हुआ, तारे आकाश में आ गए, तो इसमें देखिए एक काम कंप्लीट है तभी दूसरा शुरू है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने बताया था आपको कि जब एक काम कंप्लीट दूसरा शुरू होता है तब क्या होता है, हैविंग का प्रयोग। कर्ता हटाना नहीं है, कर्ता को रखना है, नॉमिनेटिव एब्जेक्टिव का प्रयोग यही होता है, कर्ता को रखना है, सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगा दीजिए, फिर उसके बाद सेट है तो सेट लगा दीजिए, कामा लगा दीजिए, बाकी पूरा उतार दीजिए वैसे ही। और दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, द लेटर वाज रिटेन ही पोस्टेड इट एट वंस। यहां दोस्तों वाज है, वाज वाज के बाद, बस इस पर ध्यान रखिए कि वाज के बाद इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, इसका मतलब यह है कि ये पैसिव फॉर्म में है। जब भी वाज या देयर के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए वर्ब का तो ये हमारा क्या होता है, पैसिव फॉर्म। जब भी पैसिव फॉर्म होता है तो हम हैविंग बीन लगाते हैं, हैविंग बीन, पहले ही खुद पकड़ना है क्या ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। दोस्तों द लेटर, करा लेटर, लेटर फ्री है, जब चाहे आप तब लिखिए, और जब लिख लेते हैं तो हमारी इच्छा जब करेगी हम तब पोस्ट करेंगे, तो दोनों ही सब्जेक्ट फ्री है, दोनों ही फ्री है, इसीलिए ये हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। अब दोस्तों यहां पर वाज आया, तो वाज के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, हैविंग बीन, क्यों, क्योंकि यहां पर ये सेंटेंस क्या था, पैसिव वाज के फॉर्म में था, इसलिए यहां पर हैविंग बीन लगा। लेकिन दोस्तों नीचे वाले सेंटेंस में देखिए हमने केवल बीन लगाया है, सेंटेंस था द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग वी एंजॉयड इट वेरी मच। अब दोस्तों देखिए यहां पर पिक्चर भी फ्री है, अगर हम लोग फ्री नहीं होते तो एंजॉय करने जाते नहीं, पिक्चर को जब चाहे आप जो है देखिए इंटरेस्ट लीजिए उसका, तो दोनों ही फ्री हैं। और दोस्तों यहां पर देखिए ये जो वाज आया है, वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया, आईएनजी लग गया, कंटीन्यूअस टेंस आ गया, तो इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म नहीं है, क्योंकि पैसिव फॉर्म में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो जब हमारा पैसिव फॉर्म नहीं है तो वाज के स्थान पर मैंने पार्टिसिपल में बताया था कि हम क्या लगाते हैं, बिंग लगाते हैं, तो बस दोस्तों वाज के स्थान पे बिंग लगा दीजिए और आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तैयार, मींस सिंपल सेंटेंस आपका तैयार। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद का नियम दूंगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और अधिक से अधिक दोस्तों मैं फिर से कर रहा हूं अगेन, यू कैन सब्सक्राइब टू माई वीडियो, थैंक यू।